बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल टॉक अबाउट थ्योरीज ऑफ करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट के बारे में की जो थ्योरीज है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। थ्योरीज जो है वो बेसिकली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन होती है दैट कंडेंस आर ऑर्गेनाइज अवर नॉलेज अबाउट सोशल वर्ल्ड के व्हाई इवेंट शुड अकर। इन करियर डेवलपमेंट वी हैव थ्री मेन थ्योरीज डिस्क्राइब इन अ मैनर इन विच एडोलसेंस मेक चॉइसेस अबाउट करियर डेवलपमेंट। इसमें हमारे पास जो करियर डेवलपमेंट थ्योरी है, करियर डेवलपमेंट एक एज वी नो दैट कि एक लाइफ लॉन्ग आपका प्रोसेस होता है जो कि जिसके अंदर लाइफ में थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ है, एक्सप्लोरेशन है, इस्टेब्लिशमेंट है, मेंटेनेंस है, उसकी वजह से अकर्ड होता है। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ थ्योरीज। गिन्सबर्ग थ्योरी है हमारे पास, डेवलपमेंटल थ्योरी, सुपर सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी एंड होलैंड पर्सनालिटी टाइप थ्योरीज। तो ये हमारे पास जो है थ्री थ्योरीज ऑफ करियर डेवलपमेंट जो है वो पाई जाती हैं। करियर डेवलपमेंट जो थ्योरी है उसको हम कहते हैं कि ये सेट ऑफ कंसेप्ट है, प्रिपोजिशन है एंड आइडियाज दैट प्रोवाइड्स अस विद इनसाइट इनटू व्हाट इज बिलीव टू बी ट्रू अबाउट द प्रोसेस ऑफ करियर डेवलपमेंट। कि ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं या प्रिपोजिशंस हैं या वो ख्यालात हैं जो आपको इंटरनल इनसाइट्स बताते हैं कि किस कौन सी बात जो है वो सही है अबाउट द प्रोसेस ऑफ करियर डेवलपमेंट, उसको हम कहते हैं। इसके अंदर ट्रेट ओरिएंटेड थेरीज जो है वो भी पाई जाती है, ट्रेट फैक्टर थेरीज है, उनको हम इसमें नहीं करेंगे। हम इसमें सिर्फ गिन्सबर्ग की जो थेरी है करियर डेवलपमेंट की उसको हम इसके अंदर पढ़ेंगे। गिन्सबर्ग थेरी ऑफ करियर डेवलपमेंट के अंदर उन्होंने थ्री करियर स्टेजेस जो है वो बताई हैं, जिसके अंदर उन्होंने फैंटेसी जो कि बर्थ से लेकर 11 ईयर्स की एज तक रहती है, जिसमें करियर परसीव कर होता है इन अनरियलिस्टिक मैनर में। दूसरी स्टेज जो है वो उन्होंने टेंटेटिव स्टेज बताई है, जो कि 11 ईयर से स्टार्ट होती है और 17 साल तक रहती है, जो कि ट्रांजिशन का पीरियड होता है। थर्ड स्टेज जो है वो रियलिस्टिक बताई है, जो कि 18 साल से लेकर 25 साल तक होती है, जिसमें हम प्रेग्मेटिक डिसीजन जो है वो लेते हैं। गिन्सबर्ग जो है ही वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 30, 1911 में पैदा हुए थे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। और इन्होंने जो है गिन्सबर्ग ने ये जो 179 बुक्स जो है वो पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर, लेबर इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल थॉट्स के अंदर जो है वो उन्होंने काफी अपनी किताबें लिखी। करियर डेवलपमेंट जो है अकॉर्डिंग टू हिम इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, कि जैसे हमने पहले भी बात की कि थ्रू आउट लाइफ स्टेजेस जो है ये रहता है। सो गिन्सबर्ग की अप्रोच जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो किस तरीके से करियर को चूज करता है फ्रॉम चाइल्डहुड टू अर्ली एडल्टहुड, के चाइल्डहुड से लेकर, बचपन से लेकर एडल्टहुड तक वो अपनी करियर चॉइसेस जो है वो कैसे स्टार्ट करता है। तो फिर इस तरीके से जो हमने थ्री स्टेजेस बताई हैं उनकी उसमें वो देखते हैं, हम करियर स्टेजेस को बताते हैं। जो फैंटेसी है जो स्टार्ट फ्रॉम बर्थ से लेके 11 ईयर्स की एज तक होती है, उसमें वो स्टीरियोटिपिकल रोल के बारे में बताते हैं। जैसे बच्चे डिसाइड करते हैं कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, पुलिसमैन बनूंगा, प्रीस्ट बनूंगा, टीचर बनूंगा, ठीक है। फैंटेसी के अंदर ये वो माइलस्टोन होता है करियर डेवलपमेंट का कि बच्चा प्राइमरी इंगेज होता है इन प्लेफुल एक्ट्स के अंदर, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे फायर फाइटर्स या पुलिस ऑफिसर या रेस कार ड्राइवर जो है वो बनना पसंद करते हैं। तो चिल्ड्रन जो है वो ट्रांजिशन करता है फ्रॉम प्लेफुल इमिटेशन टू वर्क इमिटेशन नियर द एंड ऑफ दिस स्टेज। बच्चे जैसे आपने देखा होगा कार्टून्स जो देखते हैं वो उस जैसा जो भी कैरेक्टर उनको पसंद आता है उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टेज जो है थी ये बर्थ से लेके 11 ईयर्स की एज तक, जब बच्चे सोचते हैं कि हम इस करियर को, हम ये बड़े होके ये बनेंगे। देन हमारे पास स्टेज आती है टेंटेटिव स्टेज। टेंटेटिव स्टेज जो है वो एडल्सन स्टेज होती है, जो कि 11 ईयर्स से लेके 17 ईयर्स तक रहती है। इसके अंदर हमारे बच्चे के अंदर इंटरेस्ट स्टेज होती है। इंटरेस्ट स्टेज जो है उसमें बच्चा लाइक्स एंड डिसलाइक्स बताता है कि मेरे लाइक्स और डिसलाइक क्या है फ्रॉम 11 ईयर्स से लेके 17 ईयर्स तक। फिर वो कैपेसिटी स्टेज उसकी होती है, जिसके अंदर वो ये देखता है, उन चीजों को एनालाइज करता है कि वो किन चीजों में बेहतर परफॉर्म कर सकता है। फिर वैल्यू स्टेज जिसके अंदर आती है कि व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर हिम और हर, कि उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांजिशन स्टेज जिसको कहा जाता है कि ये सेल्फ रिलायंस होती है और बच्चों को अवेयरनेस होती है अबाउट ऑक्यूपेशन जो भी, जिसमें भी वो इन्वॉल्व होना चाह रहे थे। 17 साल तक या 11 से 17 साल तक की उम्र में बच्चों को पता चल जाता है।
फ्रॉम 11 टू 17 ईयर्स ऑफ एज एडोलसेंट चिल्ड्रन आर बेटर एबल टू फोकस ऑन एंड रिकॉग्नाइज वर्क रिक्वायरमेंट. उन्हें पता होता है कि जिस भी प्रोफेशन में उन्होंने जाना है उससे उसमें उसकी नेचर क्या है, उसके साथ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी एसोसिएटेड है. तो इस के अंदर जो है, इस स्टेज के अंदर, टेंटेटिव स्टेज के अंदर हमारे पास फोर फेजेस आ जाती हैं, या फोर स्टेजेस कह लें उसमें. जो पहली स्टेज है वो इंटरेस्ट की होती है, जहाँ पे बच्चा जो है अपने लाइक एंड डिसलाइक्स के बारे में जो है वो सीखता है. सेकंड स्टेज जो होती है उसके बाद, थर्ड स्टेज जो उसकी होती है वो रियलिस्टिक स्टेज होती है, जो एडल्ट फूड से लेके 18 से लेके 25 ईयर्स तक जो है वो रहती है. इसके अंदर ही एक्सप्लोरेशन स्टेज होती है, बच्चा एक्सप्लोर करता है अपने कॉलेज या फॉर्मल ट्रेनिंग से, और क्रिस्टलाइजेशन स्टेज भी इसको कहा जाता है. ये जो थर्ड स्टेज होती है इसके अंदर वैल्यूज को हम देखते हैं कि चाइल्ड जो है वो बिकम अवेयर हो जाता है कि हाउ वर्क में फुलफिल हर वैल्यूज. जैसे टीचर जो है वो चिल्ड्रन को या बच्चों को हम ऑनेस्टी जो है वो सिखाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं, केयरिंग सिखाते हैं. तो ये चीजें जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं. रियलिस्टिक के अंदर एक्सप्लोरेशन स्टेज के अंदर होती है, क्रिस्टलाइजेशन स्टेज होती है, जिसके अंदर बच्चा डिक्लेयर करता है मेजर और कमिट करता है सर्टन टाइप्स ऑफ वर्क को. आपके पास इसमें एक थर्ड स्टेज होती है, वो स्पेसिफिकेशन स्टेज होती है, जिसमें स्पेशलाइज इन ग्रेड स्कूल और स्पेसिफिक जॉब. रियलिस्टिक का मतलब ही ये होता है, इसके अंदर इस स्टेज में बच्चा एस्टेब्लिश करता है अल्टरनेटिव पास को इन हर वर्क लाइफ, मतलब बैकअप प्लान उसने रखा होता है कि अगर मैं इस लाइन में ना गया तो मैं अगर मैं ये ना कर सका तो मैं ये कर लूंगा. तो इस फेज के अंदर बच्चे के अंदर पर्सनल वैल्यूज जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं, और वो अपने ऑप्टिमल करियर चॉइस जो है वो स्टार्ट कर देता है करियर चॉइस करना. तो ये फर्स्ट पीरियड जो हम एक्सप्लोरेशन स्टेज कहते हैं, उसके अंदर वो अपने करियर पाथ को चूज करता है, लेकिन उसके वो उसका जो उसकी जो लाइफ है वो ओपन होती है अदर जो करियर रिलेटेड चॉइसिस हैं उनको एक्सेप्ट करने में, वो अपॉर्चुनिटीज को अदर देन जो उसने डिसाइड किया कि मैंने इस लाइन पे जाना है उसके अलावा भी वो एक्सप्लोर कर रहा होता है, कि अगर कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो उसको अवेल कर लेगा. सेकंड स्टेज जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, व्हेन शी बिकम मोर इनग्रोस्ड इन अ पर्टिकुलर करियर कमिटिंग टू वन डायरेक्शन मोर देन शी एल्स एवर हैज. तो स्पेसिफिकेशन होती है इसके अंदर थर्ड पीरियड, जिसके अंदर वो कमिट करता है या डेवलप करता है प्रेफरेंस फॉर स्पेसिफिक एरिया. जैसे बच्चे मैट्रिक के बाद चले जाते हैं, मेडिकल में चले जाते हैं, इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, ICS में चले जाते हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटीज में चले जाते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, स्पेशलाइज जो है वो कर रहे होते हैं. तो ये जो गिन्सबर्ग की जो थेरी थी आपके पास, थेरी ऑफ करियर डिवेलपमेंट. उसके बाद हमारे पास थेरी आती है सुपर थेरी ऑफ करियर, सेल्फ थेरी ऑफ करियर डेवलपमेंट, जो डोनाल्ड सपर ने 1976 में उसने दी थी, जिसके अंदर उसने डिस्क्राइब किया फाइव करियर स्टेजेस को, क्रिस्टलाइजेशन, स्पेसिफिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, स्टेबलाइजेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन जो है उसको, और कंसोलिडेशन उसको उसने किया है. इसके अंदर बेसिकली अगर हम देखें जो आपकी फर्स्ट स्टेज है क्रिस्टलाइजेशन, ये स्टार्ट होती है 14 टू 18 इयर्स की एज में. फिर स्पेसिफिकेशन जो होती है वो 18 टू 21 इयर्स की एज में जो है वो स्टार्ट होती है. इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 22 टू 24 इयर्स ऑफ एज में होता है. फिर स्टेबलाइजेशन जो है वो इसके अंदर आ जाती है. करियर डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर अगर हम ये जो है इनकी डोनाल्ड की बात करते हैं, डिस्क्राइब फाइव करियर स्टेजेस, डोनाल्ड सपर जो है वो बेस्ड करते इन की जो थ्योरी है वो बेस कर रही है डिफरेंशियल साइकोलॉजी के अंदर, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर, सोशियोलॉजी एंड पर्सनल थ्योरी के अंदर. इसके अंदर वो बताता है कि पीपल जो है लोग डिफर करते हैं इन देयर एबिलिटीज एंड पर्सनैलिटीज, दे नीड वैल्यूज, इंटरेस्ट, ट्रेड्स एंड सेल्फ कंसेप्ट. के लोगों को जरूरत होती है वैल्यूज की, जो उनको डिफ्रेंशिएट, जिसकी वजह से वो राइट एंड रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट कर सके. इंटरेस्ट, उनका किस चीज के अंदर दिलचस्पी रखते हैं वो, ट्रेड्स क्या है उनके, और सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है. सो पीपल आर क्वालिफाइड बाय वर्चू ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ईच फॉर अ नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन. एवरी पर्सन हैज विद इन हीज और हर मेकअप द रिक्वेस्टीज फॉर सक्सेस इन मैनी ऑक्यूपेशन. जैसे हर विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपीरियंस, जैसा जैसा इंडिविजुअल टाइम गुजरता जाता है, इंडिविजुअल की जो सेल्फ कंसेप्ट है वो चेंज होता है. आप
ट्रेनिंग हो रही होती है, आपकी पर्सनालिटीज ग्रूम हो रही होती हैं, आप सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ सोशल लर्निंग है कि आप माशरे से क्या सीखते हो। ठीक है, पहले जब आप स्कूल में थे या कॉलेज, एज वी सेड दैट कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल लर्निंग, आर इंक्रीजिंगली जो है ये स्टेबल फ्रॉम लेट एडोलसेंस अंटिल लेट मेच्योरिटी। ये प्रोवाइड करता है कंटिन्यूटी इन चॉइस एंड एडजस्टमेंट को। जैसे जैसे आप सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, आप कुछ लर्न कर रहे हैं सोसाइटी से, वैसे वैसे आपकी चॉइसेस जो है वो चेंज होती जा रही हैं, कि आपको जैसे जैसे किसी भी नए न्यू प्रोफेशन के बारे में पता चलता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी, या जो सोसाइटल नीड्स है उसके अकॉर्डिंगली अपनी चॉइसेस को जो है वो ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं या चेंज करते रहते हैं। द नेचर ऑफ द करियर पैटर्न इज डिटरमाइंड बाय द इंडिविजुअल पेरेंटल सोशो इकोनॉमिक लेवल, मेंटल एबिलिटी, एजुकेशन, स्किल्स, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड्स, वैल्यूज, इंटरेस्ट, ट्रेड, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड करियर मेच्योरिटी एंड बाय द अपॉर्चुनिटीज टू विच ही आर शी एक्सपोज। तो आप करियर पैटर्न को, यहाँ पे हमने बताया कि हम डिटरमिन किन चीजों, किन फैक्टर्स से हम एक इंडिविजुअल का करियर पैटर्न डिटरमिन करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं पेरेंटल का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। अगर तो पेरेंट्स का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वीक होगा, तो तब भी कुछ बच्चे जो है वो अपनी जो हालत है और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अपनी और अपने पेरेंट्स की, अपने सिबलिंग्स की बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं। इसी तरह आपने बहुत सारी एग्जाम्पल सुनी होंगी कि जो बार्बर का बेटा है वो CSP बन गया, टैक्सी ड्राइवर के बेटे ने टॉप कर दिया, बेटी ने टॉप कर दिया, तो वो अपनी वो कंडीशन जो उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी वजह से वो ज्यादा मेहनत करते हैं। कुछ बच्चे जो है वो उन्हीं हालात के अंदर अपने आप को उन्होंने एक्सेप्ट किया होता है कि हम यही है, हम इससे आगे अपने लिए अपनी हालतें जो है वो दुरुस्त नहीं कर सकते। फिर उसके बाद मेंटल एबिलिटी आती है, जहनी सलाहियत जो है वो भी डिपेंड करती है। अगर तो अच्छी होगी तो इंडिविजुअल अच्छी अपने लिए चॉइसेस जो है करियर पाथ सेलेक्ट करेगा। एजुकेशन आ जाती है, पेरेंट्स की एजुकेशन आ जाती है, इंडिविजुअल की अपनी एजुकेशन आ जाती है, स्किल्स जो उसके पास है कि किस फील्ड में वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है, और इसमें अगर उसके पास स्किल्स है तो ये टीचर्स और पेरेंट्स का भी इसमें रोल है कि वो उसको पॉलिश करें। और ये पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है इसके अंदर, और करियर मेच्योरिटी जो है वो आ जाती है। सक्सेस इन कॉपिंग विद द डिमांड्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द जॉब एट एनी लाइफ करियर स्टेज डिपेंड ऑन द रेडीनेस ऑफ द इंडिविजुअल टू कोप विद दीज डिमांड्स इफ हैज अ करियर मेच्योरिटी। करियर मेच्योरिटी बेसिकली एक हाइपोथिकल कंस्ट्रक्ट है, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस है कि अगर इंडिविजुअल के अंदर ये है करियर मेच्योरिटी है कि अपने करियर को लेके जो है वो सीरियस है, तो वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर कर सकता है। जॉन हॉलैंड आइडेंटिफाई सिक्स करियर रिलेटेड पर्सनालिटी स्टाइल्स, उसने रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक्स, सोशल इंटरप्राइजिंग और कन्वेंशनल जो है वो इसने टाइप जो है वो दी है। बेसिकली इसकी थ्योरी के अंदर करियर चॉइसेस को बताया गया इस प्रेमिसेस के इंडिविजुअल जो है वो चूज करता है सिचुएशन को, और इंडिविजुअल चूज सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट दैट सेटिस्फाई देयर पर्सनालिटी ओरिएंटेशन, उसको वो इंडिविजुअल चूज करता है। तो थ्योरेटिकल व्यू ऑफ करियर चॉइस के अंदर वो बताता है कि ऑक्यूपेशन आर नॉट मेरली सेट ऑफ वर्क स्किल्स बट इंस्टेड रिप्रेजेंट अ वे ऑफ लाइफ। तो हॉलैंड की थ्योरी के अंदर जो है वो बेसिकली ये जो सिक्स उसने करियर रिलेटेड पर्सनैलिटी जो है वो बताए हुए हैं आपको स्टाइल्स, उनको या अगले उसमें करियर चॉइसेस चाहिए कि रियलिस्टिक होगा, वो डूइंग थिंग्स चीजों को खुद करने की कोशिश करेगा, इन्वेस्टिगेटिव होगा तो वो सोचेगा, आइडियाज को डेवलप करेगा, आर्टिस्टिक होगा वो क्रिएट करेगा आइडियाज को, ठीक है, कन्वेंशनल होगा तो कंफर्म करेगा पहले डाटा को, इंटरप्राइजिंग होगा तो मैनेज करेगा, इंटरप्राइजिंग और मैनेजिंग पीपल करेगा, सोशल होगा तो वो हेल्प करेगा लोगों की, मतलब जितना बंदा ज्यादा सोशल होता है उतना ही लोगों के बारे में उसको पता चलता है। बेसिकली जो हॉलैंड की थ्योरी है 1959 में आई थी, जो इम्फेसिस कर रही थी सर्चिंग एस्पेक्ट ऑफ पर्सन इन्वायरमेंट, यानी कि वो अकॉर्डिंग टू देम पर्सन जो है एक इंसान वो वोकेशनल चॉइस जो है वो बनाता है इन सेंस ऑफ सर्चिंग फॉर सिचुएशन विच सेटिस्फाई दर हिरार्की ऑफ एडजस्टिव ओरिएंटेशन, यानी कि वो अपने माहौल को ऑब्जर्व करता है और एडवोकेट चॉइसिस को सिलेक्ट करता है और जो उसके इन्वायरमेंट के मुताबिक उसके लिए सूटेबल जो है वो होती है। तो ये इसके बाद हमारे पास आ जाती है नॉलेज, गोल्स एंड करियर, टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग करियर आर बिकमिंग नॉलेजेबल अबाउट करियर, कि आपको करियर्स के बारे में नॉलेज जो है वो हो, आपने अपने करियर गोल्स जो है वो आपने करियर गोल सेट किए हों कि आपने किस जो है फील्ड को जो है वो चूज करना है। फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी इन एडोलसेंट करियर चॉइस, सबसे पहले कॉग्निटिव फैक्टर्स उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है, कॉग्निटिव फैक्टर्स
खैर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी इन एडोलसेंस करियर चॉइसेस, उसमें हमारे पास कॉग्निटिव फैक्टर्स आ जाते हैं, आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट, माशर्ती फैक्टर्स आ जाते हैं, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आ जाता है, इनकम इनकम वगैरह, पेरेंट्स एंड पीयर्स आ जाते हैं, वालदैन और फ्रेंड्स, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, जेंडर मेल है या फीमेल है, एथनिसिटी कास्ट जो है वो कौन सी है, तो ये जो है इसके अंदर आ जाती है, ये फैक्टर्स हैं जो आपकी डाइवर्सिटी को जो है वो करते हैं, प्रिवेल करते हैं।